बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेक्चर नंबर है हमारा 3 और इसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हम जो ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। इनको हम कहते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कौन से ऑपरेटर हैं आप देख सकते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन और उसके आगे सिंबल लिखी हुई है, ठीक है ना। ये सिंबल कीबोर्ड पर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि लेस देन के लिए ये साइन है, ग्रेटर देन के लिए ये साइन है। आगे है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन लगाना है और साथ इक्वल टू साइन यहाँ पर है, ठीक है ना। लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर हम लगाते हैं और नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल है या फिर ये सिंबल है। जो 2013 से नीचे वाले हैं ना उनमें ये सिंबल इस्तेमाल होती थी, लेकिन 2013 में ये सिंबल इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और इसके बाद हमारे दो और हैं फंक्शंस हैं, इनको हमने पढ़ना है, परसेंटेज और एवरेज। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह हमने सम कैलकुलेट किया था इसी तरह से आज दो मज़ीद हम पढ़ेंगे, परसेंटेज और एवरेज। लेकिन उससे पहले हम ये ऑपरेटर पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, एक्सेल शीट मैंने खोली है एक और यहाँ पर देखते हैं। मैं ये सामने रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। पहले है लेस देन। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम पहले इक्वल टू साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अब 5 इज़ लेस देन 2, सॉरी ये सिंबल है, 5 इज लेस देन 2, 5 2 से छोटा है, नहीं छोटा है, छोटा तो नहीं है, बड़ा है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10, अब कंडीशन ठीक है, इट मीन्स कि इसका जवाब ट्रू आना चाहिए, सही आएगा ना, कि ये सही है। जब मैं एंटर करता हूँ तो ट्रू लिखा आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मतलब कि 5 इज़ लेस देन 2 करता हूँ तो ये कंडीशन गलत है, 5 तो बड़ा है, तो यहाँ पर फाल्स आना चाहिए, तो ये फाल्स आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन को कैसे करेंगे हम, बिल्कुल वैसे ही। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, ट्रू आएगा मेरे पास आंसर, तो देखिए ट्रू लिखा आ रहा है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन, अगर मैं 10 करता हूँ, 10 से बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पर फाल्स आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑपरेटर ही हो गए। अब इसके नीचे देखते हैं हम लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू के लिए वही सिंबल है, साथ आगे इक्वल टू हमने लगा देना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है ना। अब 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 2 से बड़ा है, 5 2 से छोटा है या बराबर है, ठीक है ना, या है, एक कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखें आप ज़रा गौर करें कि 5 2 से छोटा है या बराबर है, या एक कंडीशन सही होनी चाहिए ना। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि लेस देन आर, आर का मतलब क्या होता है, या कि मतलब कि इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है ना, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 कर दूँ तो भी मेरे पास सही आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 1 कर दूँ, 5 2 से 2 1 से छोटा है या बराबर है, ये तो नहीं है सही, ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, मतलब कि एट लीस्ट एक कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए। अब 2 10 से छोटा है तो मेरे पास ट्रू आ रहा है आंसर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, इक्वल टू ऑपरेटर जी सर, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, छुट्टियाँ सर आ रही हैं, पाँच छुट्टियाँ आ रही हैं।
उसके बाद है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल है, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू साइन तो लगाना है। अब 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू, ठीक है ना। दूसरे एग्जांपल करते हैं हम, 5 इज इक्वल टू 2, दो के तो बराबर नहीं है 5, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा आखिर में लास्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। अब मैं देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 5 के बराबर नहीं है, 2 5 के बराबर नहीं है ना, इसका मतलब सही है, स्टेटमेंट सही है हमारे पास, ट्रू आएगा। दो पाँच के बराबर नहीं है मैं कह रहा हूँ, सही है ना, ठीक है ना। अगर मैं ये करूँ कि 2 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 2 है, 2 2 के बराबर नहीं है, ये तो 2 के बराबर है ना, इट मीन के यहाँ पर फॉल्स आएगा। अच्छा इक्वल का ये जो साइन है वो दोनों को उल्टे उल्टे उन्होंने कर दिया, हाँ ग्रेटर और ये, हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ ये जो है ना ये पहले जो इससे पहले वाले हैं ना 2013 हाँ उनमें ये सैम्पल इस्तेमाल होता था, अभी आप ये करेंगे तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये एरर देता है। ये देखिए मैं चेक करा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए मैं नॉट इक्वल टू लगाता हूँ, सॉरी 2 इज नॉट इक्वल टू 3, एरर आ गया, वो कहता है कि ये सिंबल लगाएं आप, ये चीज़ आई हुई, ठीक है। इसको खलास करते हैं, तो ये मतलब कि अभी जो हमने ये सारी सिंबल्स पढ़ी हैं ना, इनका अभी जो हम काम कर रहे हैं ना इसमें इस्तेमाल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जस्ट आपको जस्ट बताना था कि ये लेस देन इक्वल टू ये क्या चीज़ें होती हैं, इससे आगे जब हम फार्मूले पढ़ेंगे ना एफ एल्स वाले या ग्रेड वाले उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इनकी जस्ट आपने अभी प्रैक्टिस करनी है कि यार इक्वल टू लेस देन के लिए कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन होता है, ठीक है ना। जस्ट ये है, इनका जो असल इस्तेमाल है वो ज़रा बाद में आएगा, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, ये परसेंटेज और एवरेज, ठीक है ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ़ीसद, फ़ीसद किसे कहते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ एक है 7400, एक है, ठीक है ना, इसका मैं 10% निकालना चाहता हूँ, तो 10% मैं कैसे निकालूँगा कि हाँ 7400 ज़र्ब 10 तकसीम 100, 10% निकल आया, ठीक है ना। तो अब हम मतलब कि एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं, ये तो मैनुअली तरीका है ना, हमने मैनुअली किया, एक्सेल में इसके साथ ज़रा कोई फार्मूला होगा, ठीक है ना। अब देखें मैं 7400 है ना मेरे पास, मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, 10%, तो इक्वल टू साइन, ठीक है ना, ये ज़र्ब इधर मैं 10 लिखता हूँ, और यहाँ पर ये देखें ये परसेंटेज का साइन है 5 के साथ, 10%, मैं जो ही करूँगा वो मुझे जवाब दे देगा। ये अगेन करते हैं हम, ठीक है ना, ये 8500 मेरे पास है, इसका मैं हाँ इसका मैं 5% निकालना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा मैं, इक्वल टू साइन 8500, मैंने सेल का एड्रेस दे दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5% निकालना है 5। अब मैं ये परसेंटेज की सैंपल लगाना है, ये सैंपल मैंने सैंपल लगा दी, मैं जो एंटर करूँगा उसका वो 5% दे दूँगा, 5/100 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने मतलब कि एक पहला तरीका देखा मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हमने देखा कि यार ये जो सिंबल है परसेंटेज की उसको हम किस तरह, अब जितना भी परसेंटेज निकालना चाहें वो आ जाएगा उसमें। इसके बाद है हमारा फार्मूला एवरेज का, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सपोज़ मेरे पास कुछ अब रकम है 5, 2, 4, 7, 8, 10। अब देखें ये मेरे पास 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 6 मेरे पास हैं
कुछ डिजिट्स हैं ठीक है ना, रकमें, इनका मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब कि इसको हम सम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने इसका सम निकाला, उसके बाद मुझे 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये एवरेज निकल आया मेरे पास। ये तो वो तरीका है जो हम अक्सर करते हैं। तो एक्सेल में क्या है, एक्सेल में हमें करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, उसका देखें सिंपल तरीका। तो इक्वल टू साइन लगाना है आपने, इसके पास एवरेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है ए वी ई आर ए जी, ये देखो लिखा भी आ गया है ए वी ई आर एवरेज, कहाँ से, यहाँ से लेकर, कॉलन साइन लगाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक, और वो बंद कर देना है आपने, एवरेज निकल आएगा। देखें जो मैनुअल तरीका हमने किया था, ये मैनुअल तरीका है ना इसका, देखें पहले मैंने सम निकाला फिर 6 पे डिवाइड किया, मुझे ये जवाब आया। जब मैंने एवरेज के साथ किया फार्मूले के साथ, तो एवरेज लगा कर यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए एवरेज, तो मुझे उसका डायरेक्ट जवाब आ गया, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा और भी मैं आपको बताता हूँ, होम पे जाते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इन सब को ऐसे आप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये जहाँ सम था इधर चले जाएं, यहाँ पर एवरेज है, एवरेज को क्लिक करें, जवाब नहीं है समझ, ऑटो सम के नीचे जो है एवरेज, हाँ सब सेलेक्ट किया, हाँ एवरेज को एंटर किया जी, ये 10, 12, 13, ये मैं एक से ही रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर जो है ना मैं वो, अब तो हमने कॉलम में किया था ना, मैं यहाँ करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करें, इधर खाली कॉलम में लें, होम में जाएं, सम को क्लिक करें, ये है एवरेज, एवरेज निकाल दिया उसने, यहाँ पर ये एवरेज आ गया, ये देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका इस तरह निकालना है तो इस खाली कॉलम में लें, देख रहे हैं, तो ये मतलब कि अभी बिल्ट इन फंक्शन हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इसका अगर आप राइट क्लिक करके देखें ना इसको एवरेज में, तो एवरेज में बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने पहले किया था, इसका देखेंगे आप, इसका भी बिल्कुल वैसा ही है, नहीं है वैसा नहीं है, ख़राब हो गया। गलत हो गया, देख रहे हैं कि F8 से लेकर J8 तक और साथ एवरेज, एवरेज की वाल लिखना है आपने, ये हैं बस छोटे से सिंपल से फार्मूले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगे।